गाइस इस गुफा के अंदर जा रहे हैं हम, और ये देख सकते हो गाइस। जब बात आती है बावड़ी और महलों की तो हमें राजस्थान की ओर आना पड़ता है। राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फेमस महल और बावड़ियां हैं। आज हम ऐसे स्थान पर आए हैं जो बावड़ी है उसका निर्माण 1673 में हुआ था, और इस बावड़ी में कच्चे धागे मूवी की शूटिंग भी की गई थी जो 2015 में रिलीज हुई थी। तो आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं मीत खेदड़। आज हम चेतन दास जी की बावड़ी के अंदर आ गए हैं, और ये बावड़ी झुंझुनू के लोहारगल के पास स्थित है। गोलियाना से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और इस बावड़ी का निर्माण 1673 में यानी लगभग 450 साल पहले किया गया था, और चेतन दास नमक व्यक्ति था उसने करवाया था। और कहा जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण दिन के अंदर होता था और रात के अंदर ये डिसमिस हो जाती थी यानी ढह जाती थी। और इसकी गहराई की बात करें तो गहराई इसके अंदर 200 फीट की है। 200 फीट अंदर इसकी गहराई है, तो हम 200 फीट अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या इस बावड़ी के अंदर आज भी पानी आता है क्या, और ये एक टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, बिल्कुल झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गोलियाना के 1.5 किलोमीटर दूरी पर ये बावड़ी स्थित है। तो चलिए हम इसके अंदर जाते हैं, सबसे पहले ऊपर जाएंगे और फिर 200 फीट नीचे गहरे इस बावड़ी के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या इसके अंदर पानी है या नहीं। गाइस, इस बावड़ी के नज़दीक हमें बंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये देख सकते हो आप, ये बंदर के बच्चे हैं छोटे। तो चलिए गाइस हम अब उधर जाएंगे, वो देख सकते हो आप सामने वो कुआं है, और वो कुआं नीचे गहरा 200 फीट गहरे नीचे पेंदे में है। तो सबसे पहले हम इधर से जाएंगे और वहां पर चलते हैं। तो गाइस हम इस बावड़ी के ऊपर टॉप में आ चुके हैं, तो आप ऊपर से आने पर कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। और इधर से हम आए थे, ये सीढ़ी आना, इस सीढ़ियों से हम आए थे। अब गाइस हम उस कुएं की तरफ चलते हैं। सो गाइस हम, ये है कुआं, हम यहाँ पर इस कुएं के पास पहुँच चुके हैं, और हम अब इस बावड़ी के अंदर जाएंगे 200 फीट गहरे। वापस वो उधर सीढ़ियाँ ना, उस सीढ़ियों से हम नीचे जाएंगे इस बावड़ी के अंदर और देखेंगे क्या हमें पानी मिलता है या नहीं। लोग कहते हैं यहाँ पर अभी भी पानी है, तो देखते हैं क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। तो वीडियो में बने रहिए। और गाइस बता दूँ आपको, ये बावड़ी की गहराई है, इस गहराई से ऊपर ये 7 मंजिली बनी हुई है। आप देख सकते हो अलग अलग इसके अंदर लेयर बनी हुई है। तो अब हम वापस सीढ़ियों से चलते और नीचे जाएंगे। गाइस आप देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ पहाड़ देख रहे हो ना, ये अरावली पर्वतमाला है जो लगभग 1050 फीट लंबी है, और इस चेतन दास जी बावड़ी के नज़दीक ही जाती है। और गाइस बता दूं कि इस बावड़ी के अंदर ना बहुत ज़्यादा मूवी की शूटिंग हुई है। स्टार्टिंग में बताया था आप, मैंने आपको कच्चे धागे मूवी जो 2015 में रिलीज हुई थी वो यहीं से छोटा सा सीन शूट किया गया था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स भी शूट होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर कचरा रहता है इतना, मतलब साफ़ सफाई नहीं रहती है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ऐसे ही पड़ी है जो कि सही नहीं है इसका। अगर साफ़ सफाई टाइम से हो जाएगी ना, तो दूर दूर से लोग यहाँ पर अब भी इस जगह पर आएंगे और विजिट ज़रूर करेंगे। तो गाइस हम नज़दीक आ गए हैं इस बावड़ी के पेंदे के। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर तो पानी है, यानी लगभग 200 फीट अंदर आने के बाद हमें पानी मिल चुका है कि आज भी यहाँ पर पानी आता है। और वो उधर की तरफ सुरंग सी क्या बनी हुई है, उस सुरंग में जाते हैं हम और देखते हैं क्या है वहाँ पर भी। गाइस इस गुफा के अंदर जा रहे हैं हम,
और ये देख सकते हो गाइस, ये कुआ है। हम इसके पेंदे में लगभग 200 फीट नीचे हम, और ये कुआ देख सकते हो, इसके अंदर अभी भी पानी है ऊपरी। जैसे कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ती है, जो पूरी 7 मंजिल है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गाइस पानी था, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है, और ये यहाँ के स्थानीय लोग ही फैलाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ का बहुत ज़्यादा पुराना, लगभग 450 साल पुराना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और कुछ इस प्रकार की है इसके अंदर डिज़ाइन। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है या ये चेतन दास जी की बावड़ी पसंद आए, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही बावड़ियाँ मैं नए नए कंटेंट लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।